इसी टॉपिक पर बुक बुक आपका आइडिया मतलब कैसे हुआ, आपके पेरेंट्स आपके साथ थे, टीचर्स, और ये थोड़ा बताएं मेरा। हिमांशु बताइए कि आपको आइडिया कैसे आया, आपको ये बुक का, और आपके पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया, टीचर्स ने, और मतलब लोगों को क्या क्या फायदा होने वाला है? जी सर बिल्कुल, मेरे माता पिता ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे दोस्तों ने इस किताब को एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने में बहुत मदद की। इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपने डैडी को देना चाहूँगा। ही प्रपोज मी एन आइडिया कि हाँ मैं किताब लिख सकता हूँ। और एक किताब का आइडिया आया था क्योंकि जब मैं अपने ब्लॉग्स लिख रहा था तो मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी, तो आगे की आने वाली जनरेशन को ये डिफिकल्टीज फेस ना करनी पड़े तो वो बस एक इस किताब को खरीद कर अपनी ये सारी डिफिकल्टीज हटा सकते हैं। जो जो डिफिकल्टीज मैंने फेस करी वो उन लोगों को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेन जैसे हैकिंग में बैंक अकाउंट है, कई अपना ईमेल है, ये हैक हो जाती है, इस बारे में भी बताया आपने? जी सर डेफिनेटली बताया इसके अंदर, बल्कि मैंने जैसा कि आपने बताया बैंक अकाउंट्स वगैरह, इसके ऊपर मैंने एक अलग से चैप्टर भी दिया है जिसके अंदर कार्डिंग शॉपिंग साइट्स वगैरह के रिगार्डिंग है। इसके अंदर सर मैंने अमेजोन तक की वेबसाइट्स के बारे में बताया कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी डेटा कैप्चरिंग वेबसाइट लोगों के डेटा को स्टील कर लेती है और हो सकता है कि वो वेबसाइट्स इसी डेटा को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दे। तो इसी चीज के लिए इससे बचने के कई सारे तरीके भी मैंने इस बुक के अंदर बताए हैं। हिमांशु एक चीज मेन निकल के आती है आपके आपके मतलब क्या कर रहे हैं अभी एजुकेशन में? सर अभी फिलहाल मैं 10th क्लास में हूँ मयूर पब्लिक स्कूल में, और डेफिनेटली मुझे अपने स्कूल से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। वहाँ पर ऐसी कई सारी लैब्स बनाई हुई हैं जहाँ पर मैं इसी नॉलेज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए उन लैब्स का इस्तेमाल करता हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और एक चीज और भी है कि कई कॉलेज हैं आईटी वगैरह के, जैसे बीबीए है, बीएससी है, जो भी कराते हैं उनमें आप जाएंगे लेक्चर देने के लिए अपनी बुक्स के लिए या लोगों को बताने के लिए हैकिंग का? सर डेफिनेटली, क्योंकि एक हैकिंग मेरे बहुत दिल के बहुत ही करीबी सब्जेक्ट है, और अगर मुझे जरूर मौका मिलेगा तो फिर मैं जरूर जाऊंगा, क्योंकि इस साइबर सिक्योरिटी, अब जो आने वाली जनरेशन है वो सिर्फ कंप्यूटर पर डिपेंडेंट रहेगी, और जब तक कंप्यूटर है तब तक मेरे हिसाब से साइबर सिक्योरिटी हमेशा ही रहेगी। थैंक यू।